एवरीवन, वंस अगेन आई वेलकम यू ऑल इन माय चैनल मोनिका मेकओवर गैलरी। सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? फ्रेंड्स, जैसा कि आपने मेरे वीडियो के स्टार्टिंग में देख लिया होगा कि आज मैं आपके लिए फिर से फ्लिपकार्ट किचन हॉल लेके आई हूँ, और ये हॉल वीडियो बहुत ही ज्यादा बड़ा होने वाला है, क्योंकि आज मैं हॉल वीडियो में आप सबके सामने ही मैं अनबॉक्स करने जा रही हूँ। ऐसे पहले तो मैं खोल के देख लेती थी अपने प्रोडक्ट को, लेकिन इस बार मैंने सोचा कि आपके सामने ही मैं उसको अनबॉक्स करूंगी और प्रोडक्ट्स के जितने भी रिव्यू हैं विद डेमो के साथ आपको दूंगी। तो अगर आपको मेरा ये हॉल वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। और फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैं हमेशा आपके लिए जो भी हॉल वीडियो लेके आती हूँ, चाहे वो फ्लिपकार्ट का हो, चाहे वो अमेजोन का हो, चाहे वो होम सेंटर का हो, तो मैं बहुत ही अफोर्डेबल कॉस्ट में आपके लिए लेके आती हूँ, ताकि आप उसको ले सकें। तो इसमें भी मैंने कुछ यूनिक किचन के आइटम्स मंगाए हैं, मुझे जरूरत था इसलिए मैंने इसको परचेस किया है, और इसको मैं कोई भी सेल नहीं करने वाली हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है, और मैं अपने लिए ही लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, आपको अगर अच्छा लगता है प्रोडक्ट तो आप उस प्रोडक्ट को परचेस कर सकते हैं। जितने भी प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन है मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चैनल के उसमें डाल दूंगी, आप नीचे चेकआउट कर सकते हैं फ्रेंड्स कि कितने में वो प्रोडक्ट मिला है। तो फ्रेंड्स, तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए मैं अपने वीडियो की तरफ आपको ले चलती हूँ, लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ फ्रेंड्स सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बहुत मेहनत करते हैं वीडियो बनाने के लिए, और लाइक शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स को अगर आपको मेरा कोई भी वीडियो अच्छा लगता है, और अगर ये किचन हॉल वीडियो आपके लिए ज़रा सा भी हेल्पफुल लगता है तो फ्रेंड्स प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, ये मेरा पहला प्रोडक्ट है जो मैंने परचेस किया है, और आप देख रहे हैं कि मैं आपके सामने इसको अनबॉक्सिंग करने, मैंने अभी तक इसको बिल्कुल भी ओपन करके नहीं देखा है, और बहुत ही ज़्यादा दिनों से ये मेरे पास आके पड़े हुए थे, तो मैं थोड़ा लेट हो गई ये वीडियो बनाने में। तो चलिए मैं आपके सामने ओपन करके देखती हूँ कि क्या है इसके अंदर। ओके, तो ये मैंने सिलिकॉन कवर्स मंगाए हैं। तो फ्रेंड्स, ये मैंने माइक्रोवेव सेल्फ सिलिकॉन स्ट्रेच लीड कवर मंगाया है, ये पैक ऑफ सिक्स है और ये मैत्री ब्रांड का है। ये देखिए, ये सिलिकॉन कवर्स हैं, ये से चिपक गए हैं, ये पैक ऑफ सिक्स है और ये डिफरेंट डिफरेंट शेप एंड साइज में अवेलेबल है। ये आपका मैंने सर्कुलर बनाया मंगाया है, सर्कल इन शेप है ये आपका, और ये आपका रेक्टेंगल और आपके राउंड शेप, स्क्वायर बॉक्स इस समय है। और ये जो आपका जो सिलिकॉन शीट है, ये जो है, ये आप क्या कर सकते हैं, जो भी आप मटेरियल है, अगर आपका बोल है, हम लोग उसमें हमेशा, आप लोग देखते होंगे कि प्लेट्स रख देते हैं और प्लेट्स हमेशा फ्रिज में इधर से उधर होते रहते हैं, या कोई भी अगर हम लोग सामान है, जैसे कि आपका वाटरमेलन है, तो वाटरमेलन को हम लोग करते हैं तो वो खुला रह जाता है, उसमें कुछ समय में वो ख़राब होने लगता है, तो इस तरह से आप उसको कवर अप कर सकते हैं, लिड से कवर कर सकते हैं। मैं आपको इसमें एक दिखाती भी हूँ, ये देखिए बाउल, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, इसको देखिए, कोई भी सामान आप रखें और इसको आप इसमें कवर अप कर दें। इसका हर एक साइज के अकॉर्डिंग दिया हुआ है, तो ये आपका बिल्कुल भी इस तरह से सेफ साइड हो जाएगा, और ये आपका कोई भी सामान इसमें से उल्टेगा भी नहीं। और अगर आपके पास आप कोई जूस है, बच्चों ने पी लिया है और उसके बाद वो आप नहीं कर पा रहे हैं, अभी वो नहीं पीना चाह रहा है, तो इस तरह से भी आप इसको क्या कर सकते हैं, ये देखिए, ये लिड लगा दीजिए, ये मुझे बहुत, ये देखिए फ्रेंड्स, बिल्कुल भी इसमें कोई भी आपका लिक्विड है, जूस है, कुछ भी है, आपका ये बिल्कुल भी नहीं गिरेगा, और आप इसको आराम से अपने फ्रिज में और कहीं पे भी रख सकते हैं, कि ऐसा नहीं कि, और जब आपको निकालना हो तो ये देखिए, यहाँ से ये दिया हुआ है और आप इसको इस तरह से खोल के निकाल लें। तो ये मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा गाइस, तो आप इसको परचेस कर सकते हैं। इसका जो प्राइस जो मुझे मिला है ये है 186 रुपीज़ का, तो ये बहुत ही अफोर्डेबल कॉस्ट में है, और ये डिफरेंट डिफरेंट कलर एंड शेप्स में अवेलेबल है। ये मैंने वाइट कलर में मंगाया है, आप चाहें तो इसका ब्लू कलर भी अवेलेबल है, तो आप इसको यूज कर सकते हैं। तो ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा फ्रेंड्स। तो ये देखिए, ये 6 के पैक में है गाइस। मैंने जो सेकंड प्रोडक्ट परचेस किया है, चलिए इसको भी देखते हैं क्या है ये।
से ओपन हो गया है। ये फ्रेंड्स मैंने स्टील का स्ट्रॉ ऑर्डर किया है, ये सेट ऑफ 5 है, देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा, स्टेनलेस स्टील स्ट्रॉ। ये मैंने स्पेशली अपनी डॉटर के लिए ही इसको मंगाया है। और आप देखिए ये, इसमें दो जो स्ट्रॉ हैं वो स्ट्रेट हैं और दो जो हैं थोड़ा कर्व में हैं, और एक इसके साथ क्लीनिंग करने का ये ब्रश भी दिया हुआ है, आप इजीली इसमें क्लीन कर सकते हैं। मोस्टली जो होता है कि फ्रेंड्स देखिए आराम से, और स्पेशली जो इस समय मैं जो स्ट्रॉ प्लास्टिक के होते हैं ना, तो वो मुझे अच्छे बिल्कुल भी नहीं लग रहे थे, और उनको क्लीन करना भी उतना ही ज़्यादा डिफिकल्ट था, और दोबारा आप उसको रीयूज नहीं कर सकते हैं क्योंकि प्लास्टिक है, ख़राब हो जाता है। तो इसलिए मैंने ये स्टील के स्ट्रॉ, क्योंकि वो जूस हो गए और कुछ भी ऐसा ड्रिंक पीती है, तो इसलिए उसके लिए मैंने ये परचेस किया है। ये जो मुझे पड़ा है अराउंड 171 का है, ये भी मेरे अफोर्डेबल कॉस्ट में है गाइस। अगर आप इस तरह अपने बच्चों के लिए परचेस करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा लाइट इन वेट है और आपका स्टील क्वालिटी है। ये एंटिल्स का ब्रांड है और 5 है, इसमें 2 स्ट्रॉ स्ट्रेट हैं, 2 स्ट्रॉ कर्व में दिए हुए हैं, विथ क्लीनिंग किट के साथ दिया हुआ है। तो ये बहुत ही क्लीनिंग ब्रश है, तो ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही लाइट वेट है, ये नहीं कि बच्चों के लिए भारी है स्टेनलेस, बहुत ही हल्का है। और आप देख रहे हैं कि इसकी क्वालिटी कितनी अच्छी दी हुई है, तो ये भी मेरे बजट में था, अफोर्डेबल है, तो इस तरह से आप इसको परचेस कर सकते हैं। फ्रेंड्स मेरा नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है, चलिए अनबॉक्स करके देखते हैं क्या है। ये भी मैंने किचन से रिलेटेड ही सामान मंगाया है। ये देख रहे होंगे आप कि ये चीज़ क्या है। तो ये जो फ्रेंड्स है, ये मैंने कटलरी होल्डर्स मंगाया है, और ये जो है आपका 5, इसमें आप स्पून, में आपको दिखाती हूँ, आप इसमें रख सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये बहुत ही ज़्यादा मुझे ज़रूरत थी और ये बहुत अच्छा मुझे लगा। आप देखिए इस तरह से, क्या होता है कि हम लोग किचन में वर्क काम करते हैं, और जब भी हम लोग को स्पून रखना होता है तो हम कोई प्लेट या ऐसा होता है कि कभी कभी उसके वहीं पर रख देते हैं, काउंटर टॉप पे हम रख देते हैं, तो ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा। आप इसको बगल में इसको रख सकते हैं और इस तरह से आप इसमें अपने जो भी आपको 4 देखिए पीसेस कटलरी के आपके इसके खड़े हो जाएंगे, तो ये बहुत अच्छा है। ये प्लास्टिक मटीरियल है और आपका ग्रीन कलर का मैंने इसका कलर इसका लिया है, और ये बहुत ही अच्छा है। ये सर्विंग आपका इस तरह से आपका यूज़ होगा, और आप चाहे तो यहाँ पे इस एरिया में, अगर आप ये स्पून नहीं रखना चाहते हैं, कई बार होता है कि जो कवर होता है, अगर हम लोग कोई भी लेसन लिड होता है, तो आप उसको यहाँ पे लिड भी आप इसको स्टैंड कर सकते हैं। तो ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा, मुझे इसकी ज़रूरत थी क्योंकि बार बार प्लेट्स गंदे हो जाते हैं, तो इस तरह से आप इसको एक साथ कई 4 स्पून को आप इस तरह से रख सकते हैं, धोने में भी आसानी है। और ये बहुत ही, ये भी मुझे बहुत ही अच्छे अफोर्डेबल कॉस्ट में फ्रेंड्स मुझे मिल गया। इसका जो प्राइस है वो है 140 रुपीज़ मुझे पड़ा है, और फ्लिपकार्ट पे प्राइजेस हमेशा चेंज होते रहते हैं, तो मुझे जब मैंने ये परचेस किया तो मुझे 140 रुपीज़ का मिला, तो ये भी बहुत ही अच्छा अफोर्डेबल कॉस्ट में। अब तक जितना भी मैंने आपको सामान दिखाया है वो आपके बजट में है फ्रेंड्स, उसको ध्यान में रखते हुए ही मैं सामान को परचेस करती हूँ। और इस तरह के गैजेट्स जो हैं आपके किचन में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं, आपके टाइम, आप सब चीज़ आपका क्या करते हैं, बचा देते हैं। तो अगर आपको ये प्रोडक्ट मेरा अच्छा लगता है, ये कटलरी होल्डर, तो आप इसको परचेस कर सकते हैं। फ्रेंड्स जो मैंने नेक्स्ट किचन का आइटम परचेस किया है, ये भी ओपन करते हैं, मुझे ना अनबॉक्सिंग करना बहुत अच्छा लगता है, ये देखिए, और आप लोगों के सामने तो स्पेशली। और आपने मेरे जो फ्रेंड्स, मेरा जो पहले मैंने किचन हॉल वीडियो डाला था, वो आप लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया, इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, और इसी तरह से मेरे चैनल को प्यार मोहब्बत देते रहिए, जिससे कि मैं आपके लिए और अच्छे अच्छे हॉल वीडियो और अच्छे अच्छे DIY और डेकोर्स के आइटम्स लेते आऊँ। तो ये चलिए फ्रेंड्स इसको स्टार्ट करते हैं। ये आपको दिख रहा होगा, ये मैंने मंगाया है 1 सिलिकॉन डोमेट। डोमेट मतलब कि आपका रोटी बेलने वाला, जैसे कि आपके यहाँ चकला होता है, तो ये इस तरह का आपका ये चिपक गया है।
ये भी आपका, ये मेरे को पिंक कलर का रिसीव हुआ है, आपको दिख रहा होगा। इसका ब्लू कलर भी अवेलेबल है। ये देखिए फ्रेंड्स, आपको जितना साइज चाहिए, आपको बनाना है डो, रोटी बनाना है, पूड़ी बनाने हैं, पराठे बनाने हैं, लच्छा पराठा बनाना है कई बार, तो आप इसको चकले की जगह पे आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और इसमें देखिए आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे सारे, ये देखिए यहाँ पे सारे के सारे ये भी दिया हुआ है, 2, 4, 6, मतलब कि कितने उसमें आप काट सकते हो, बना सकते हो। 15.2 सेंटीमीटर, 17.8 सेंटीमीटर, ये मैं सीधा कर दे रही हूँ। ये देखिए ये सब लिखा हुआ है कितना आपको बनाना है, तो इससे बहुत ही आसानी होगी बनाने में। और नेक्स्ट आपको कि आपको डो कितना तक आप काटना चाहते हो, तो ये भी आप स्केल से मेजर करके काट सकते हो, यहाँ पे आपका दिया हुआ है। और ये आपका रेक्टेंगुलर इन शेप है और बहुत ही अच्छा मटेरियल है इसका, और फूड ग्रेड सिलिकॉन, ऐसा नहीं है कि आप इसमें, ये फूड ग्रेडेड सिलिकॉन मटेरियल है, तो और इसको आप इजीली वॉशेबल कर सकते हो, वॉश कर सकते हो और यूज़ कर सकते हैं। जैसे कई बार होता है ना कि चकले पे बनाते समय चकला के नीचे हम लोगों को एक कपड़े बिछाने पड़ते हैं, बार बार चकला बार बार ऐसे से हिलता रहता है और एक अच्छा शेप नहीं आ पाता, तो इस तरह से आप क्या है कि ये आपके काउंटर टॉप पर चिपक जाएगा और आप जरा सा भी हिलेगा नहीं, आप इस पर आटा, इसमें क्या कहते हैं, अपने आराम से रोटी पूड़ी पराठे जो बनाना चाहते हो जिस शेप पर, स्पेशली जो बिगनर्स हैं जो पहली बार बनाते हैं तो उनको बहुत मुश्किल आती है कैसे बनाना है, कितना तक बनाना है, तो उनके लिए बहुत ही अच्छा ये मुझे लगा, तो मैंने सोचा क्यों ना ट्राई करके देखूं। तो अगर मैं इसको आपको दिखाऊंगी कि कैसे मैं इसमें बना रही हूं, अगर मेरे को, अगर मैं बनाती हूं तो रोटी वोटी, तो इसलिए, तो अगर आपको ये अच्छा लगता है तो आप इसको परचेस कर सकते हैं। इसका जो प्राइस है ये मुझे पड़ा है 269 रुपीज़ में, अराउंड 269 रुपीज़ इसका प्राइस है, तो ये भी अफोर्डेबल कॉस्ट में है। तो अगर आप चाहते हैं कि ये लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। इसका ब्लू, लाइट ब्लू कलर भी अवेलेबल है। तो फ्रेंड्स, ये नेक्स्ट मेरा जो प्रोडक्ट है मैं आपके सामने अनबॉक्स करने जा रही हूँ, उससे पहले मैं आपको बता दूँ ये जितने भी प्रोडक्ट हैं मैंने फ्लिपकार्ट से परचेस किए हैं। चलिए इसको भी ओपन करें कि क्या है इसमें। पैकेजिंग ऐसा करके भेजते हैं। अच्छा, अरे मैंने ग्रीन कलर मंगाया था। तो फ्रेंड्स ये है स्टोरेज सिंक वॉल शेल्फ है ये आपका, और ये देखिए यहाँ पे इस तरह से आपको ये अपने सिंक के साइड में आप इसको अटैच कर सकते हैं। मैं आपको करके दिखाऊंगी, डेमो करके दिखाऊंगी कि ये कैसा लग रहा है। और यहाँ पे जो आपके, जो भी आपका जो वॉशिंग मटेरियल है, जैसे लिक्विड है आपका, सोप लिक्विड है, आप उसको यहाँ रख सकते हैं। और यहाँ पे आप जो वॉश करते हैं जिससे, स्क्रबर है वो आप यहाँ पे रख सकते हैं। और ये सिंक में ईजिली देखिए यहाँ पे ड्रेन हो जाएगा, यहाँ से निकल जाएगा। तो देखते हैं कि ये कैसा है, पहली बार मैं लगा रही हूँ, चिपकता है कि नहीं ये, तो मैं एक बार डेमो करके आपको दिखाती हूँ। ये जो इसका जो मुझे पड़ा है ये है 169 रुपीज़ का पड़ा है मुझे, और अच्छा ये मटेरियल, ये भी प्लास्टिक मटेरियल है। और इसमें तो मैंने तो ग्रीन कलर मंगाया था क्योंकि मेरा जो सिंक है वो ग्रीन कलर में है, और लेकिन ये ब्लू कलर का मुझे रिसीव हुआ है। चलिए कोई बात नहीं है, तो देखते हैं कि ये कैसा लगता है। तो अगर आप ये परचेस करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, मैं पिक्चर्स भी लगा दूंगी, आप देख सकते हैं कि ये किस तरह से आप इसका यूज़ कर सकते हैं। और ये भी 169 रुपीज़ में अवेलेबल है। हे गाइस, ये देखिए, ये मैं आपको डेमो करके इस प्रोडक्ट का दिखा रही हूँ, और देखिए इस समय इसने अपना अच्छे से वैक्यूम ले लिया है और ये कहीं से हिल भी नहीं रहा है, ये देखिए। और आप इसमें आराम से अपने जो कि आपका ये है, जैसे आप ये रखना चाहते हैं टूथपेस्ट का, या आप कोई भी इस तरह से आप रख सकते हैं इसमें, जिससे कि आपका सिंक ख़राब ना हो और जितना भी पानी होगा इसमें से निकल जाएगा। और या तो आप अपने सोप डिश को या सोप को भी रख सकते हैं,
यहाँ पे आप एक तरह का फोम लग सकते हैं, जिससे कि ये मुझे अच्छा लगा। मैं सोच रही थी कि लगेगा कि नहीं लगेगा, पर इसने अपना वैक्यूम अच्छे से बना लिया है। तो आप इस तरह से इसको अपने सिंक के साइड में लगा सकते हैं, और यहाँ से आपको जो भी सोप है, जो भी चीज़ का यूज़ है, आप इसमें यहाँ पे कर सकते हैं। तो ये प्रोडक्ट मुझे अच्छा लगा। फ्रेंड्स, मेरा जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है, मैं आपके सामने ये ओपन कर रही हूँ, अनबॉक्सिंग। देख रही हूँ कि अनबॉक्स करने का तरीका कहाँ से दिया है। ओके, ये मैंने ऑयल डिस्पेंसर मंगाया है, जो कि सेट ऑफ टू है। ये देखिए कैसे इसका पैकेजिंग करके भेजा है फ्रेंड्स। ये इसके दो ऊपर के लिड हैं। चलिए, क्योंकि इसका मटेरियल जो है वो है आपका ग्लास मटेरियल। पहली बार मैं इस तरह का ग्लास मटेरियल मंगा रही हूँ, क्योंकि मैं हम लोग के यहाँ पे प्लास्टिक का ही रखा हुआ है, मतलब सॉरी प्लास्टिक मैं बोल रही हूँ, स्टील के ही कंटेनर ऑयल के हैं आपका। ये देखिए बहुत ही अच्छा बबल रैप करके भेजा है, क्योंकि भाई ग्लास मटेरियल है तो टूटने का डर हो सकता है। तो इस तरह से पूरा ही खोलना पड़ेगा। ये देखिए एक आपको कंटेनर निकाल के दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, ये मैंने ऑयल डिस्पेंसर मंगाया। ये 500 ml की इसकी कैपेसिटी है। ये देखिए, ये मैंने आपका रिफाइंड ऑयल और प्लस जो आपका सोयाबीन ऑयल और आपका जो मस्टर्ड ऑयल होता है, वो दोनों रखने के लिए मैंने मंगाया है। पर इसमें एक तो मेरा प्रॉब्लम हो गया है, आपके सामने दिखा रही हूँ कि इसका लिड टूट चुका है दोनों। ये देखिए, और ये मेरे पास काफ़ी दिनों से रखा भी हुआ था। आई डोंट नो कि अभी ये वापस होगा कि नहीं। तो ये देखिए, जहाँ पे इसका लिड फंसता है ना, वही टूट गया इसका ये। तो मैं सोचूंगी कि इसको दूसरा मंगाने का। ये देखिए, ये इस तरह से है। ये देखिए, इसको हम लोग इसमें, ये देखिए आप लगा दीजिए। बहुत ही अच्छा एयर टाइट कंटेनर है। जब आपको यूज़ है तो आप इस तरह से आप इसको डाल सकते हैं, और ये लिड इसे इस पर लग जाए। देखिए, ये देखिए बंद भी हो गया। ये ऐसे करेंगे और ये ऐसे, आवाज़ आ रही होगी आपको। ये देखिए, तो ये बहुत ही सुंदर मुझे लगा था, मैंने मंगाया था। और इसका देखते हो, अगर मेरा ये रिटर्न हो जाता तो ठीक है, नहीं तो मैं इसका दूसरा एक लिड ऐसा परचेस करूँगी। तो ये भी बहुत अच्छा लगा है, ये आपके काउंटर टॉप को। क्योंकि क्या होता है कि प्लास्टिक के जो होते हैं ना ऑयल के कंटेनर, वो एकदम चिपचिपे हो जाते हैं कुछ समय में, आप देखे होंगे। और स्टील का तो आपको धोना पड़ता रहता है हमेशा। तो ये जो आपका है, मुझे बहुत देखने में भी बहुत सुंदर लगेंगे, और आप इसको आराम से यूज़ भी कर सकते हैं। तो ये मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। इसका जो प्राइस पड़ा है, ये भी आपका अफोर्डेबल कॉस्ट में ही है। इसका प्राइस है मुझे पड़ी है 244 rupees में, 244 rupees में मुझे पड़ा है। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ही अच्छा मुझे लगा, अफोर्डेबल कॉस्ट में है, तो ये बहुत बढ़िया। अगर आप परचेस करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। तो ये देख लीजिए फ्रेंड्स, ये कैसा है, ये देखिए बहुत ही खूबसूरत है। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, ये मेरा नेक्स्ट प्रोडक्ट है, मैं ओपन कर रही हूँ। ये क्या चीज़ है, छोटा सा मैंने मंगाया है, जितना मुझे याद आ रहा है, ये मैंने ये मैंने मंगाया था। ये आपका, ये भी मैंने किचन के सिंक के लिए मंगाया है, टैप का है ये। ये आपका 360 degree रोटेटिंग वाटर सेविंग आपका ये मैंने नोजल मंगाया है। ये देखिए, यहाँ पे आपके स्विच का बटन दिया, मतलब आपको सिंगल चाहिए इसका फ्लो, आपको किस तरह का फ्लो चाहिए आप इसके अकॉर्डिंग आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये भी मैं आपको डेमो करके दिखाऊंगी ये कैसा लग रहा है। तो मैं इसको यूज़ करूंगी। तो ये एडजस्ट करने के लिए इसमें दिया हुआ है, आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं अपने टैप में और इस सिंक में। स्पेशली हमको कब पानी अच्छे से चाहिए, और देखिए 360 degree ये रोटेट करेगा आपका। ये देखिए, तो ये भी मुझे बहुत ही अच्छे कॉस्ट में फ्रेंड्स मिल गया है।
इसका जो प्राइस मुझे पड़ा है वो 183 रुपीज़ का पड़ा है। तो ये भी बहुत अच्छे बजट में है। ये देखिए इसमें यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ढेर सारे, जैसे आपका वो होता है ना जो हम लोग बाथरूम में जो हमारे जो फ्रेंड्स, ये देखिए जैसे आपका शावर होता है ना उस तरह से, इसमें देखिए इस तरह से पूरे होल बने हुए हैं। और ये आपका व्हाइट एंड बीच कलर में अवेलेबल है। और इसमें वारंटी भी 10 डेज रिप्लेसमेंट वारंटी इसमें दिया हुआ है कि अगर कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो विद इन 10 डेज में आप इसको रिप्लेस कर सकते हैं। तो चलिए मैं इसको भी आपको डेमो करके दिखाऊंगी कि ये कैसा है प्रोडक्ट, अफोर्डेबल मतलब अच्छा यूज़ में है कि नहीं, यूज़फुल है कि नहीं। तो फ्रेंड्स अगर आपको इसमें से कोई भी मटीरियल, अगर आपको जितने भी मैंने प्रोडक्ट दिखाए हैं अगर आपको यूज़फुल लगते हैं तो आप उसको परचेस कर सकते हैं, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल कॉस्ट में जो कि आप खरीद सकते हैं उस कॉस्ट में मैं आपके लिए सामान लेके आती हूँ, हॉल वीडियो लेके आती हूँ। तो प्लीज़ प्लीज़ फ्रेंड्स अगर आपको ये मेरा हम लोग मेरा ये जरा सा भी आपके लिए यूज़फुल लगता है हॉल वीडियो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और प्लीज़ बताइए कि आपको कैसा लगा एक एक प्रोडक्ट्स आपको जो मैंने दिखाया है, कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा और लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। ये मैं तो मैं हमेशा बोलती ही रहती हूँ फ्रेंड्स। तो दोनों बहुत बढ़िया है। हे गाइस, ये देखिए मैंने यहाँ पे ये एडजस्टेबल ये लगा दिया है अपने टैप में, और मैं आपको ऑन करके दिखाती हूँ। ये यहाँ से मैंने ऑन किया, अभी देखिए इसका फ्लोट आपको ऐसा दिखाई दे रहा है। इधर घुमा लेते हैं, देखिए ये देखिए एक और इसका है प्रेशर पॉइंट, बहुत ही अच्छा। जैसे कि स्पीड में पानी आता है तो हर जगह छींटा मारता है, तो ये बहुत ही सॉफ्ट हो गया, हल्का कर दिया इसने, एक शावर का आपको लुक दे रहा है, पूरा फील हो रहा है। और ये देखिए आप ऐसे चाहते हैं, देखिए ये कोर्स में आना शुरू हो जाएगा आपके। अगर आप और थोड़ा स्लो चाहते हैं तो आप इस तरह मोड में कर सकते हैं, और ऐसे तो आप अपने तरीके तीन तरीके से आप इसको बदल सकते हैं। तो ये मेरा जो है पूरे मेरा जो टैप का टिप है ये मोटा है, बड़ा है, तो ये इसमें पूरा आ गया है। और ऐसे आपको इसमें ये और भी अलग लिड दिए हुए हैं, तो अगर आपका टैप जो है अगर छोटा है उसका ये टिप छोटा है तो आप इस तरह से आप इसको लगा के और फिट कर सकते हैं। तो इसमें कई तरीका आपका दिया हुआ है लगाने का, दो तरीके से। तो ये मुझे भी, ये भी मुझे आपको डेमो करके मैंने दिखाया कि ये कैसा लग रहा है। तो आप इस तरह के इसको शावर को आप अपने किचन में आप यूज़ कर सकते हैं, और कहीं पर भी आप जहाँ पे भी आप इसको यूज़ करना चाहते हैं सिंक में लगा सकते हैं, किसी भी नल पे आपको जिस तरह का फोर्स चाहिए पानी का उस तरह से आप इसको चेंज कर सकते हैं। तो ये भी मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। ये देखिए फ्रेंड्स बहुत ही अच्छा है, स्मूथ फील है। तो ये भी प्रोडक्ट बहुत ही लेने लायक है, आप ले सकते हैं। फ्रेंड्स नेक्स्ट मैं प्रोडक्ट आपके सामने ओपन करने जा रही हूँ, ढेर सारे आप लोगों के लिए मैं लेके प्रोडक्ट आई हूँ। हाँ देखिए ये क्या चीज है, देखूं जरा। अच्छा देखते हैं, ट्विंकलिंग लाइट है। ओके ये मैंने मंगाया है 4 राइस लाइट फ्रेंड्स, ये देखिए। मुझे राइस लाइट इतने अच्छे लगते हैं, ये आपके डेकोर के लिए स्पेशली मैंने इसको मंगाया है फ्रेंड्स, ये देखिए। और यहाँ पे पता नहीं इसमें अच्छा बैटरी तो होगी, निकालना पड़ेगा इसमें से, लग रहा है ये निकलेगा। ये देखिए बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। आप इसको किसी भी तरह से आप इसको सजा सकते हैं, आप चाहें तो इसको जो आपकी ग्लास की बॉटल्स आती है ना या प्लास्टिक की कंटेनर बॉटल्स होते हैं आप उसमें इसको लगा सकते हैं। इस तरह से आप इसको खोल दीजिए और डाल दीजिए उसके नॉब में, तो मैं भी इसको आपको डेमो करके दिखाऊंगी ये कैसा लगता है। तो ये मुझे बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगा। आपने देखा होगा मेरे वीडियो में मैं राइस लाइट को हमेशा प्रिफर पहले करती हूँ डेकोर में, ये सबसे खूबसूरत दिखते हैं और इनकी जो ड्यूरेबिलिटी है वो भी बहुत अच्छी है। और ये जो मुझे पड़ा है ये मुझे 4 का सेट मैंने लिया है, कॉम्बो क्वालिटी आपकी है, और ये मुझे पड़ी है 331 रुपीज़ की, 331 रुपीज़ की मुझे पड़ी है। और ये आपका
नहीं सॉरी 331 नहीं है, मेरे को 284 रुपीस की पड़ी है ये, मुझे क्वालिटी इसकी जो है पड़ा बहुत ही अच्छा। एलईडी लाइट है ये, देखिए इस तरह से सब आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आपका मैं ऑफ़ करती हूँ, ये देखिए ये आप खोलेंगे, यहाँ पे आपके ये बैटरी दिया हुआ है, जो आपकी वॉच में बैटरी लगती है, 3 बैटरीज दी हुई है इसमें। तो जब भी आप किसी तरह का अगर आप डेकोर करना चाहते हैं और स्पेशली फेस्टिवल में, तो आप इस तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हो। ये चार्जेबल नहीं है फ्रेंड्स, तो मैंने सोचा इस बार मंगा के देखती हूँ उसको कैसा है। तो इसमें 3 बैटरीज लग रही है आपकी, तो ये देखिए बहुत ही ये सुंदर लग रहा है। देखिए ये कैसा ये बना है ना, राइस की तरह, देखिए राइस लाइट तभी कहा गया है, ऐसे चावल के दाने की तरह इसमें लाइट बनी हुई है, बहुत ही सुंदर है। फ्रेंड्स ये जो देखिए ये मैंने एक और प्रोडक्ट मंगाया, ये क्या ये भी हो सकता है कुछ हटके मैंने मंगाया है, अगर ये भी आपको अच्छा लगे तो आप इसको परचेज कर सकते हैं। ये भी मुझे बहुत ज़रूरी था, ये स्पेशली मैंने अपने डॉटर के लिए मंगाया है। ये आपका थोड़ा किचन से नहीं रिलेटेड है, और फ्रेंड्स ये जो मैंने प्रोडक्ट मंगाया है आपको फोटो में दिख रहा होगा, ये मैंने लाइट लैंप मंगाया है, जो कि आपका नाइट लैंप है, इसको हम लोग स्टडी लैंप भी कहते हैं। और प्लस ये आपका मोबाइल होल्डर भी है, पेन होल्डर भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं, और ये चार्जेबल है, मतलब आप इसको चार्ज कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर दिया हुआ नाइट लाइट, और देखिए ये आपका यहाँ पर टच स्विच दिया हुआ है, ये है आपका अकारी कंपनी का है ये, तो इसको भी मैं ओपन करके देखती हूँ। ये वाइट इन कलर है, क्योंकि मेरी जो डॉटर है जो पढ़ती है स्टडी टेबल पे, तो उसको भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती है कि लाइट इतना ज़्यादा उसको फोकस नहीं हो पाता है, तो उसी पर्पस से मैंने इसको परचेज किया है। इसमें USB केबल भी आपका दिया हुआ है, चलिए इसको भी ओपन करते हैं। इसका भी आपका वारंटी पीरियड भी इसकी है, 1 ईयर वारंटी है इसका। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने जो है आपका लॉन्ग आर्म, देखिए लॉन्ग आर्म स्टडी डेस्क लाइट मंगाया है, विथ 3 एडजस्टेबल इसका आपका टच कंट्रोल लाइट है। इसमें देखिए आपका USB केबल मिला हुआ है मुझे, और ये प्लस लाइटी लैंप नहीं है, ये आपका मोबाइल होल्डर भी है। ये देखिए मोबाइल होल्डर प्लस पेन होल्डर्स है, तो आप इस तरह से अपने मोबाइल को होल्ड कर सकते हैं। यहाँ पे आपके ये दिया हुआ है, देखिए आराम से आपके मोबाइल होल्ड हो जाएगा, जब भी जो आप ऑनलाइन क्लासेस आप करते हैं तो उसमें आप इसको यूज़ कर सकते हैं, और नहीं यूज़ करना है तो आप पेन होल्डर भी इसको कर सकते हैं। पीछे की बात करेंगे तो ये देखिए यहाँ पे ऑन और ऑफ बटन दिए हुए हैं, इसको ऑन कर देती हूँ मैं। यहाँ पे आपको USB केबल लगाने का दिया हुआ है फ्रेंड्स, और ये देखिए आगे यहाँ पे 2 स्विच दिए हुए हैं, एक तो आपका पावर बटन है, पावर देखिए ऑन करती हूँ, ये देखिए फ्रेंड्स इसका पावर ऑन हो गया है। अब आपको एक चीज़ और दिखाऊंगी फ्रेंड्स, ये आप लाइट अपने अकॉर्डिंग इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं, ये देखिए, ये देखिए फ्रेंड्स, देखिए अभी इंक्रीज किया मैंने लाइट, ये देखिए और इंक्रीज हो गई। तो आप अपने अकॉर्डिंग जितना आपको लाइट की ज़रूरत है आप इसको, ये देखिए बंद हो गई, ये देखिए कम है, और बढ़ाया, देखिए इंक्रीज़ हो गया, तो ये बहुत ही सुंदर है। और अगर आपका दूसरे बटन की बात करते हैं तो यहाँ पे ये बटन दिया हुआ है, तो ये यहाँ पे एक तरह से ये लाइट ऑन हो जाएगा, जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है।
और ये इतना इतना सुंदर ये मुझे लैम्प लगा कि आप ज़्यादा स्पेस भी नहीं लेगा आपके स्टडी डेस्क टेबल पे, आप इसको चाहे स्टडी टेबल पे रखिए, चाहे कहीं पर भी आप कॉर्नर में, आप जब भी यूज़ करना चाहते हैं आप इसको यूज़ करिए और बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं लेगा। बहुत ही खूबसूरत प्रोडक्ट है, इसका 1 ईयर वारंटी है और ये देखिए वाइट इन कलर शेप में है आपका, ये वाइट कलर में है, फ्लैक्सीबल है, आप जैसे चाहें इसको जिधर चाहें उधर आप इसको फोल्ड मोल्ड कर सकते हैं और ये बहुत ही खूबसूरत लगा मुझे। तो ये मुझे जो पड़ा है फ्रेंड्स वो मुझे 585 के अराउंड पड़ा है इसका प्राइस, तो ये भी अफोर्डेबल कॉस्ट में अगर इस तरह का अगर आपको क्वालिटी और मिल रही है तो ये अगर आपको अच्छा लगता है फ्रेंड्स तो आप ये परचेज कर सकते हैं। बहुत ही सुंदर आपका ये लाइट दिया हुआ है, पीछे से ऑफ कर दीजिए क्योंकि बच्चे जब घर में रहते हैं तो इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं यहाँ से। बहुत ही सॉफ्ट टच स्क्रीन है इसका, सामने का एकदम भी पता नहीं चलेगा, और पीछे से ऑन ऑफ कर दीजिए और इस तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हैं, तो जिससे कि आपके स्टडी टेबल देखने में भी बहुत खूबसूरत लगेगा और आपका काम का काम भी हो जाएगा। मेरा जो लास्ट में जो आपको प्रोडक्ट ओपन करके दिखा रही हूँ, ये थोड़ा सा ये भी ग्लास मटेरियल का है और ये आपका सर्विंग के तौर पे आप इसको यूज़ कर सकते हैं, किचन में भी आप यूज़ कर सकते हैं, सर्विंग के लिए भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं और ये भी बहुत ही अच्छा पैकेजिंग मटेरियल में मुझे अवेलेबल हुआ है। ये देखिए यहाँ पे ऊपर आपका थर्माकोल लगे हुआ है, ये हटा देती हूँ, ये भी मेरा बचा ही रहे मैं ये सोच रही हूँ कि छोटा है। जिस तरह से मुझे प्रोडक्ट दिख रहा था उस हिसाब से इसका जो साइज है वो छोटा है लग रहा है। वाओ कितना अच्छा है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने आपका जार मंगाया है, ये आपका ये लिड दिया इस पे से और ये आपका एक है, ये देखिए ये बहुत ही है, तो ये देखने में बहुत ज़्यादा ही खूबसूरत मुझे बहुत सुंदर लगा था। और आप इसको एज अ सर्विंग बाउल की तरह यूज़ कर सकते हैं, अगर आप यहाँ पे चाहें तो जो केक्स है या कुकीज़ है आप इसको रख सकते हैं और आप चाहें तो उसको ढक सकते हैं। ये देखिए आप इसको ढक दीजिए, ये बहुत सुंदर है लगेगा। और ये जो मुझे प्राइस पड़ा है 209 रुपीज़ का मुझे पड़ा है और ये भी आपका हाई ट्रांसपेरेंसी है ग्लास जार कंटेनर, फूड स्टोरेज के लिए स्पेशली है। अगर आप चाहें तो इसमें अगर सैंडविच बना रहे हैं कुछ भी बना रहे हैं और आप इसको ढक के तो इसमें आपने रख दिया और इसको आप ऊपर से ऐसे ढक दीजिए तो ये बहुत सुंदर लगेगा। आप इसको डाइनिंग टेबल पे, सेंटर टेबल पे, किचन में आप इसको इजीली यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही हैवी ग्लास मटेरियल, इसका मतलब हैवी है और थोड़ा बच्चे हैं तो उससे थोड़ा सा प्रोटेक्ट करके आप इनको रखिए। तो ये भी मुझे बहुत खूबसूरत लगा और मुझे ग्लास के जो क्रॉकरीज है उसको कलेक्ट करना बहुत अच्छा लगता है। तो ये भी आपको बताइएगा कि कैसा आपको लग रहा है, पर इसका जो साइज़ है मुझे लगा था मुझे इतना बड़ा दिख रहा था कि इतना बड़ा होगा, पर इसका साइज़ जो है बहुत छोटा है, काफ़ी छोटा है। तो अगर इसका बड़ा साइज़ आपको अगर मिलता है तो आप परचेस कर सकते हैं, मुझे तो मैंने ये वाला परचेस किया है तो ये बहुत ही खूबसूरत लगा, ये राउंड शेप है। तो फ्रेंड्स ठीक है।